नमस्कार, वीकेबी न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। लाउडस्पीकर बवाल और तेज होता जा रहा है। सरकार को चेतावनी देने के बाद अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने 16 अप्रैल को खुद हनुमान चालीसा का सार्वजनिक पाठ करने का ऐलान किया है। तो दक्षिण पंथी संगठन हिंदू जनजागृति समिति ने 2016 में दिए गए मुंबई हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन करने की मांग की है, जिसमें उसने महाराष्ट्र में मस्जिदों समेत धार्मिक स्थानों पर लगाए गए अवैध लाउडस्पीकर को हटाने का निर्देश दिया था। इसी बीच महाराष्ट्र के ठाणे में एक ससुर ने नाश्ता न देने पर बहू को गोली मार दी। गोली महिला के पेट में लगी, जिससे वो घायल हो गई है। तो बढ़ती महंगाई और आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दाम के बीच महाराष्ट्र के सोलापुर में 1 रुपये प्रति लीटर ही पेट्रोल बेचा गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पवार की पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में लगी है और सांप्रदायिक आधार पर समाज का ध्रुवीकरण कर रही है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने 16 अप्रैल को खुद हनुमान चालीसा का सार्वजनिक पाठ करने का ऐलान किया है। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर राज ठाकरे खालकर चौक मारुति मंदिर पर शाम 6 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस दौरान उनके साथ समर्थकों की भारी भीड़ भी होगी। मनसे का दावा है कि इस महाआरती में भारी तादाद में नेता, कार्यकर्ता और आम जनता भी शामिल होगी। मनसे द्वारा जारी किए गए एक पोस्टर में राज ठाकरे को हिंदू जननायक के रूप में पेश किया गया है। इस पोस्टर में हनुमान जी को क्रोध की मुद्रा में दिखाया गया है। सूत्रों ने कहा कि मुंबई, ठाणे के बाद अब पुणे में भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हनुमान चालीसा आंदोलन को तेज कर रही है। इसी क्रम में यह आयोजन किया गया है। इससे पहले उद्धव ठाकरे सरकार को अल्टीमेटम देते हुए उन्होंने कहा कि अगर 3 मई तक सरकार मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाएगी तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस मुद्दे पर ठाणे की उत्तर सभा में राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और संजय राउत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मुस्लिमों को चिताया कि धर्म को घर में रखे, उसे रास्ते पर न लाए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा था कि ईडी की कार्रवाई से अभय मिले, इसलिए राज ठाकरे आजकल बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी जब खुद सामना नहीं कर पाई तो राज ठाकरे के रूप में लाउडस्पीकर को आगे कर दिया गया। ईडी कार्रवाई से छूट मिलने के बाद राज ठाकरे का भोंगा शुरू हो गया है। वर्ष 2005 में बाला साहेब ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो राज ठाकरे नाराज हो गए। उन्होंने 2006 में शिवसेना से अलग होकर अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। हालांकि शिवसेना के बराबर वो अपनी पार्टी खड़ी नहीं कर सके, लेकिन अब फिर सक्रिय है। उन्होंने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा उठाया है। अल्टीमेटम देते हुए राज ठाकरे ने कहा है कि अगर 3 मई तक सरकार मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाएगी तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उनके सुर में सुर मिलाते हुए दक्षिण पंथी संगठन हिंदू जनजागृति समिति ने 2016 में दिए गए बंबई हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करने की मांग की है, जिसमें उसने महाराष्ट्र में मस्जिदों समेत धार्मिक स्थानों पर लगाए गए अवैध लाउडस्पीकर को हटाने का निर्देश दिया था। उसने इस संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करने में नाकाम रही पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। एक विज्ञप्ति में नवी मुंबई के याचिकाकर्ता संतोष पचालक के हवाले से कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने हमारे द्वारा दायर जनहित याचिका पर राज्य में सभी धार्मिक स्थानों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने के 2016 में दिए उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया, अतः 2018 में हमने उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की। कोरोना वायरस महामारी के कारण याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। महाराष्ट्र के ठाणे में एक ससुर ने नाश्ता न देने पर बहू को गोली मार दी। गोली महिला के पेट में लगी, जिससे वो घायल हो गई। पुलिस ने बताया कि महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी ससुर के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मामला ठाणे के राबोदी इलाके का है, जहां 72 वर्षीय काशीनाथ पांडुरंग पाटिल ने अपने 46 साल की बहू को रिवॉल्वर से गोली मार दी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, आपराधिक धमकी और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे हुई, जब बहू ने अपने ससुर को चाय दी थी। हालांकि उसने चाय के साथ नाश्ता नहीं परोसा, जिसके बाद ससुर नाराज हो गया और उसने अपनी रिवॉल्वर निकालकर बहू को गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि इस छोटी घटना के कारण गोली मारने जैसी घटना गले से उतर नहीं रही है। पड़ोसियों से इस परिवार के बारे में जानकारी ली जा रही है। अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस को विश्वास है कि जल्द ही इस घटना से पर्दाफाश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार महिला का ससुर तुनक मिजाजी है। बात बात में धौंस देने की उसकी पुरानी आदत रही है। उसके स्वभाव में शामिल रहा है कि उसके मुंह से निकली बात को आदेश समझकर पूरा किया जाए।
बढ़ती महंगाई और आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दाम के बीच महाराष्ट्र के सोलापुर में 1 रुपए प्रति लीटर ही पेट्रोल बेचा गया। इसे खरीदने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। आलम यह हो गया कि बाद में भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस तक को बुलाना पड़ गया। तेल की कीमतें पिछले 10 दिन से स्थिर है, हालांकि इससे पहले ये लगातार 10 दिन तक बढ़ी थी। ऐसे में महंगाई की मार आम आदमी की जेब पर पड़ रही है। ऐसे में सोलापुर में 500 लोगों को 1 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल दिया गया। ये आयोजन डॉक्टर आम्बेडकर स्टूडेंट्स एंड यूथ पैंथर्स की ओर से आयोजित किया गया था। दरअसल ये आयोजन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध करने व डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती के मौके पर किया गया था। विरोध स्वरूप सिर्फ 500 लोगों को ही सस्ती दर पर पेट्रोल दिया गया। हालांकि इसके बाद भी काफी देर तक लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचते रहे। संगठन की प्रदेश इकाई के नेता महेश सर्वगौड़ा ने कहा कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है और पेट्रोल का दाम 120 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ऐसे में लोगों को राहत देने और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए 1 रुपए की दर पर पेट्रोल बेचने का फैसला किया गया। पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमतें हर दिन उछाल पर है, इससे आम इंसान महंगाई के मकरजाल में चौतरफा फंसता जा रहा है। इसकी मार रसोई से लेकर सफर तक भी साफ तौर पर पड़ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार पर जोरदार हमला बोला है। फडणवीस ने अनुच्छेद 370, फिल्म द कश्मीर फाइल्स और इशरत जहां मामले समेत अनेक मुद्दों पर शरद पवार के बयानों को लेकर उन पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पवार की पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति में लगी है और सांप्रदायिक आधार पर समाज का ध्रुवीकरण कर रही है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर 14 ट्वीट के साथ फडणवीस ने पवार पर भारतीय संविधान के रचयिता की इच्छाओं और मूल्यों के उलट काम करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि पवार ने सबसे पहले हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हाल ही में फिल्म द कश्मीर फाइल्स की आलोचना की थी। उनके इस बयान का जिक्र करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये आलोचना पूरी तरह एनसीपी के दशकों के तुष्टिकरण की नीति और सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांटने के ट्रैक रिकॉर्ड के अनुरूप है। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने पवार और एनसीपी के खिलाफ अपने आरोपों की पुष्टि के लिए अनेक खबरों के लिंक भी डाले। उन्होंने कुछ खबरों के हवाले से कहा कि पवार दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का नाम भगोड़े अपराधी दाऊद इब्राहिम के साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले महीने मलिक को गिरफ्तार किया था। देश में बिहार से दो बड़ी खबरें आ रही हैं, एक पुरातत्व के महत्व से संबंधित है तो दूसरा बर्ड फ्लू की परेशानी से। दरअसल बिहार सरकार ने बांका और पटना जिले में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण शुरू किया है ताकि इस क्षेत्र में अब तक अज्ञात रहे संभावित प्राचीन संरचनाओं को ढूंढा जा सके। तो बिहार के सुपौल जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर पक्षियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं दिल्ली समेत गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गुरुग्राम आदि शहरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि इसकी चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। इसी बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मेन गेट पर शुक्रवार की सुबह हिंदू सेना नाम के संगठन ने भगवा झंडा लगा दिया है। तो उधर देश में कहीं प्रचंड गर्मी व लू से बुरा हाल है तो कहीं वर्षा व बूंदाबांदी से राहत मिली है। उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। देश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। बिहार सरकार ने बांका और पटना जिलों में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण शुरू किया है ताकि इस क्षेत्र में अब तक अज्ञात रहे संभावित प्राचीन संरचनाओं को ढूंढा जा सके। पुरातत्व निदेशालय के निदेशक दीपक आनंद ने बताया कि बांका के अमरपुर प्रखंड के पदरिया गाँव में GPR सर्वेक्षण लगभग पूरा होने की कगार पर है और अब यह पटना जिले में किसी भी क्षण शुरू होगा। प्राचीन पटना, जिसे पाटलिपुत्र की नाम से जाना जाता है, मगध साम्राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र ज्ञान भूमि थी और यह आर्यभट्ट, वात्स्यायन और चाणक्य सहित कई खगोलविदों और विद्वानों की धरती रही। कुछ ऐसी ही बात बांका के साथ भी है। बांका में मंदार पर्वत की हिंदू पौराणिक कथाओं में कई संदर्भ है। पुराणों और महाभारत में पाए गए संदर्भों के अनुसार इस पहाड़ी का उपयोग समुद्र मंथन से अमृत निकालने के लिए किया गया था। बांका के भद्रिया गांव का पुरातात्विक महत्व हाल ही में तब सामने आया जब ग्रामीणों को कुछ प्राचीन ईंटों और ईंटों से बनी संरचनाएं मिली। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चानन नदी के तट पर हाल ही में खोजे गए पुरातात्विक स्थल का भी दौरा किया था और भद्रिया गांव स्थित स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। अब यह स्थापित हो गया है कि भद्रिया गांव एक ऐतिहासिक स्थान है। प्रारंभिक अध्ययनों के अनुसार यहां मिले अवशेष 2600 साल पुराने हैं।
बिहार के सुपौल जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। अब रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर पक्षियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। पटना से आई टीम ने इन्फेक्टेड पक्षियों के सैंपल लिए थे, जिसमें पुष्टि हुई। बताया जा रहा है कि सुपौल में मुर्गी और बतख की छटपटा कर मौत हो रही है। सदर प्रखंड के छपकाही गाँव के कुछ वार्डो में पक्षियों के लिए गए सैंपल से इसकी पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर पक्षियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बीते 2 सप्ताह पहले छपकाही गांव के वार्ड 1 से लेकर 11 तक में कुछ मुर्गों और बतख की अचानक छटपटा कर मौत होने लगी थी। आसपास के कौवे भी मरे मिले। इसके बाद पटना से आई टीम ने कुछ इन्फेक्टेड पक्षियों का सैंपल लिया, इसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, जिसके बाद जिला स्तर पर बनी रैपिड रिस्पॉन्स टीम ने पक्षियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही क्षेत्र के 1 से 9 किलोमीटर तक आने वाले सभी गांव में भी इसकी जांच शुरू कर दी गई है। जिला पशुपालन पदाधिकारी रामांकर झा ने बताया कि छपकाही गांव को केंद्र मानते हुए 1 किलोमीटर परिधि के सभी गांव के मुर्गे मुर्गियों को मारने के लिए 4 टीम बनाई गई है। सभी पक्षी पालकों को मुआवजा भी दिया जाएगा। क्षेत्र के आसपास दहशत का माहौल है। हालांकि प्रशासन लोगों को आश्वस्त कर रहा है कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है। मृत पक्षियों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति की गंभीरता का आकलन हो सकेगा। दिल्ली समेत गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गुरुग्राम आदि शहरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें भी खास यह है कि इसकी चपेट में बच्चे सबसे ज्यादा आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के CMO ने जानकारी दी है कि बीते 7 दिनों में जिले में 44 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए। इनमें से 16 बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं। वहीं अब नोएडा में सक्रिय मरीजों की संख्या 167 पहुंच गई है। इस तरह अगर कुल संक्रमित बच्चों का प्रतिशत देखा जाए तो 26.3% है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। यहाँ 5 दिन में 40 से ज्यादा बच्चों को कोरोना चपेट में ले चुका है। 20 से अधिक बच्चों का इलाज होम आइसोलेशन में ही चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कुल 68 नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में भेजे है। 2 दिन में रिपोर्ट मिलेगी, इससे कोरोना के वेरिएंट का पता चलेगा। इस बीच दिल्ली NCR के स्कूलों में बच्चों व शिक्षकों के संक्रमित मिलने से कुछ चिंता बढ़ गई है। इन स्कूलों को बंद कर छात्रों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। बच्चों में संक्रमण के मामले बढ़ने के चलते अभिभावक चिंता में आ गए हैं। करीब 12 दिन बाद स्कूलों में CBSE की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं भी शुरू होनी है। ऐसे में अभिभावकों की चिंता ज्यादा बढ़ी हुई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रामनवमी के दिन नॉनवेज खाने को लेकर हुए बवाल के बाद छात्रों के 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प का मामला अभी शांति नहीं हुआ था कि शुक्रवार सुबह एक और मामला सामने आया। JNU के मेन गेट पर हिंदू सेना नाम के संगठन ने भगवा झंडा लगा दिया है। यही नहीं, JNU कैंपस के आसपास और उसकी दीवारों पर इस संगठन ने भगवा JNU नाम के पोस्टर भी लगा दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तुरंत इन झंडों और बैनरों को हटा दिया गया और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा JNU मारपीट मामले में गुरुवार को 11 छात्रों से पूछताछ हुई। इनमें से 8 छात्र वामपंथी संगठनों के हैं, जबकि 3 छात्र ABVP के हैं। इन छात्रों ने पूछताछ में एक दूसरे पर आरोप लगाया है। दूसरी तरफ पुलिस ने दोनों संगठनों के छात्रों से मारपीट की वायरल हो रही वीडियो की ओरिजिनल कॉपी मांगी है। वामपंथी छात्रों ने आरोप लगाया है कि ABVP व उसके समर्थक हॉस्टल में नॉनवेज बनाने का विरोध कर रहे थे। वह नॉनवेज बनाने पर हॉस्टल के सचिव को धमका रहे थे। उन्होंने बीच बचाव का विरोध किया तो ABVP वालों ने मारपीट की। वही ABVP वालों ने आरोप लगाया है कि वामपंथी लोग उसके हवन का विरोध कर रहे थे और हवन में बाधा डाल रहे थे। इसके बाद उन्होंने धक्का मुक्की व मारपीट करना शुरू कर दिया। ABVP वालों का कहना है कि हॉस्टल में नॉनवेज बनाने का उन्होंने विरोध नहीं किया। देश में कहीं प्रचंड गर्मी व लू से बुरा हाल है तो कहीं वर्षा व बूंदाबांदी से राहत मिली है। उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। वहीं देश में विदर्भ से दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के निचले हिस्सों में एक द्रोणिका बनी हुई है। यह अरब सागर से नमी खींच रही है। इसके असर से ये मौसमी बदलाव हो रहे हैं। दिल्ली, उत्तर पश्चिम राजस्थान तथा झारखंड के अलग अलग हिस्सों में तेज गर्मी व लू की स्थिति बनी हुई है।
मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के भी अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना है। वहीं देश के अनेक हिस्सों में गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। दरअसल विदर्भ से कर्नाटक तक द्रोणिका व दक्षिण पूर्व अरब सागर और केरल के आसपास के हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से कहीं गर्मी तो कहीं नम हवाएं चल रही है। बादलों के बीच जब ठंडी और गर्म हवा आपस में मिलती है तो एक कम दबाव का क्षेत्र बनता है, उससे निकलने वाली पट्टी को द्रोणिका कहते हैं। इसमें अचानक ही मौसम में बदलाव हो जाता है और तेज हवा के साथ बारिश होती है। पिछले 24 घंटे के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के साथ एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश हुई। अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंड ने ब्रिटेन के एक शख्स की जिंदगी बदल दी। 18 महीने की खोज के बाद उसे खेत से 1 किलोग्राम का एक उल्कापिंड मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। वहीं रूसी धमकी के बाद अमेरिका ने 14 साल बाद एक बार फिर से ब्रिटेन में परमाणु बम तैनात करने का फैसला किया है। तो पाकिस्तान में इमरान खान के एक पूर्व मंत्री की भारी फजीहत हो रही है। इस नेता ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से खींची पुरानी तस्वीर को यह लिखकर शेयर किया है कि पेशावर के इस जलसे के लिए जनता को शुक्रिया। इसी बीच इसराइल ने दुनिया में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो उधर रूस का एक युद्धपोत मोस्कवा का काला सागर में डूब गया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 2 मिसाइलों के हमले से युद्धपोत को नष्ट कर दिया है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अंतरिक्ष से हर रोज अनेक उल्कापिंड धरती पर गिरते हैं। इनमें से कई समुद्र में तो कई निर्जन इलाकों में खो जाते हैं। अगर किसी को उल्कापिंड के टुकड़े मिलते हैं तो वह बेहद दुर्लभ होता है। कई बार इन खगोलीय पत्थरों की कीमत करोड़ों में भी हो सकती है। इसी तरह के एक पत्थर ने ब्रिटेन के एक शख्स की जिंदगी बदल दी। 18 महीने तक खोजने के बाद शख्स को एक खेत से 1 किलोग्राम का एक उल्कापिंड मिला, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ वेल्स के रेक्सहैम में रहने वाले 38 साल के टोनी फील्डिंग के घर के ऊपर से एक जलती हुई गेंद गुजरी और एक खेत में गायब हो गई। इसके बाद टोनी ने खोजी अभियान शुरू किया, जो 18 महीने तक जारी रहा। अब वह इसे सर्टिफाइड करने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि अब पता किया जा सके कि इसकी वास्तविक कीमत कितनी है। टोनी ने बताया कि उन्होंने इसे पहली बार तब देखा जब वह अपने घर के पीछे बगीचे में आधी रात को टहल रहे थे। उन्हें आग की धकधकती हुई गेंद नीचे आती दिखाई दी। उसके पीछे धुएं की लंबी पूंछ थी। नीचे आने के साथ वह गेंद और चमकदार होती गई और धरती पर गिरने के कुछ ही सेकंड बाद बुझ गई। सिर्फ धुआं ही रह गया। टोनी अनवरत उसकी खोज में लगे रहे। करीब 18 महीने के बाद उन्हें सफलता मिली। इसी तरह का एक उल्कापिंड 2014 में हमारी धरती से टकराया था, जो सौर मंडल के बाहर से आया था। जनवरी 2014 में वह पापुआ न्यू गिनी के तट पर गिरा था। यह पृथ्वी से टकराने वाला पहला ज्ञात एक्स्ट्रा सोलर उल्कापिंड था। इंटरस्टेलर मोटियोराइड वह खगोलीय चट्टान होती है जो सौर मंडल के बाहर से आती है। यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु हमले की धमकी से दहशत में आए अमेरिका ने अब 14 साल बाद एक बार फिर से ब्रिटेन में परमाणु बम तैनात करने का फैसला किया है। बता दें कि अमेरिका ने रूस के किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब देने के लिए तुर्की समेत यूरोप के कई नाटो सदस्य देशों में करीब 100 परमाणु बम बंकरों के अंदर छिपा रखे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अब ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के लोकनहित ठिकाने पर परमाणु बम रखने का फैसला किया है। इससे पहले भी इसी ठिकाने पर अमेरिका ने परमाणु बम तैनात किया था, ताकि F-15E फाइटर जेट के जरिए उनका इस्तेमाल किया जा सके। प्राप्त दस्तावेज में कहा गया है कि अमेरिका बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन और तुर्की में विशेष हथियारों के लिए जरूरी आधारभूत ढांचे पर $38 करोड़ खर्च कर रहा है। अमेरिका ने पहले यहां पर न्यूक्लियर ग्रेविटी बम छिपा कर रखे थे। 2000 के दशक तक माना जाता था कि इस ठिकाने पर 110B61 ग्रेविटी परमाणु बम रखे गए थे। साल 2008 में हांस क्रिस्टेंसन ने खुलासा किया था कि अमेरिका ने अपने सारे परमाणु बम लिए थे। अब 14 साल बाद यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका एक बार फिर से इस ठिकाने को परमाणु बम से लैस करना चाह रहा है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि परमाणु बम इस ठिकाने पर पहुंच गए हैं या उन्हें निकट भविष्य में रखा जाएगा। इस परमाणु बमों को गिराने के लिए अमेरिका ने कई अत्याधुनिक फाइटर जेट वहां तैनात कर रखे हैं।
पाकिस्तान के पेशावर में गत बुधवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रैली का आयोजन किया था। यह सत्ता से जाने के बाद इमरान खान की पहली जनसभा थी, जिसमें उन्होंने विपक्ष से लेकर अमेरिका पर जमकर निशाना साधा। पीटीआई नेताओं का दावा है कि यह जलसा कामयाब हुआ है और इसमें भारी भीड़ शामिल हुई थी, लेकिन इस बीच पीटीआई के एक नेता ने इमरान की रैली को लेकर कुछ ज्यादा ही बड़ा दावा कर दिया। नेता ने 3 तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की और दावा किया कि ये पेशावर जलसे की है। पाकिस्तान के संसदीय मामलों के पूर्व राज्य मंत्री अली मोहम्मद खान अपने इस दावे के कारण आज सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से एक फोटो वास्तव में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की थी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से खींची गई थी। फोटो में जगमगाने वाली जगह दरअसल इब्रियन प्रायद्वीप है, जो स्पेन और पुर्तगाल में पड़ती है। नासा ने 8 साल पहले 2014 में यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मौजूद अभियान के 40 चालक दल के सदस्यों में से एक ने 26 जुलाई 2014 को इबेरियन प्रायद्वीप की शाम की इस तस्वीर को खींचा था। इसी तस्वीर को शेयर करते हुए पीटीआई नेता ने लिखा कि पेशावर का शुक्रिया, लोगों के महासागर ने अपना फैसला सुना दिया है। इसके बाद यूजर्स ने अली मोहम्मद खान को ट्रोल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के एक यूजर ने लिखा कि गलत तस्वीरों का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करना बंद करें। ज्यादातर यूजर्स ने नासा की पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। आयरन डोम से लेकर घातक ड्रोन तक बनाने वाली इसराइल ने दुनिया में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम आयरन बीम दिया गया है। इस लेजर आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मोर्टार रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों को अपने एक ही वार में तबाह कर दिया। इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने बताया कि इसमें सबसे अच्छी बात यह रही है कि इसके एक वार में खर्च केवल 268 रुपए ही आएगा। इसराइल ने अपने लेजर डिफेंस सिस्टम के हमले का वीडियो भी जारी किया है। इसराइल हमास के रॉकेट हमलों को रोकने के लिए कई वर्षों से अपने काफी महंगे आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जगह पर इस लेजर वेपन को बनाने का प्रयास कर रहा था। अब उसे इस हथियार को बनाने में सफलता मिल गई है। आयरन डोम की जगह लेने वाले इस आयरन बीम डिफेंस सिस्टम को देश के हवाई रक्षा कवच को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। अभी इसराइल ने अपने इस लेजर हथियार के प्रभाव के बारे में बहुत कम सूचना दुनिया को दी है। इसराइल का लक्ष्य है कि इजरायली सीमा पर लेजर हथियारों को अगले एक दशक में तैनात किया जाए, ताकि हवाई हमलों से देश की सुरक्षा की जा सके। माना जा रहा है कि इसराइल ने इस घोषणा के जरिए अपने चिर प्रतिद्वंदी ईरान और हमास जैसे अन्य दुश्मनों को सख्त संदेश दिया है। इसराइल का कहना है कि उसका आयरन डोम सिस्टम बहुत सफल रहा और उसने 90% रॉकेट हमलों को तबाह कर दिया। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि यह सिस्टम बहुत महंगा है। रूस का एक युद्धपोत मोस्कवा काला सागर में डूब गया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 2 मिसाइलों के हमले से युद्धपोत को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने यह भी बताया कि उसने नेपच्यून मिसाइल से यह हमला किया था। बता दें कि नेपच्यून मिसाइल को हवा, जमीन और पानी से दागा जा सकता है। दुश्मन के रडार की नजर से बचने के लिए यह मिसाइल अपने टर्मिनल फेज में सतह से 10-15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। टारगेट के करीब आने पर यह सतह से 30 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हमला करता है। इस खूबी के चलते इसे रोक पाना कठिन होता है। यूक्रेन के मुताबिक हमले के बाद रूसी युद्धपोत के चालक दल के सदस्यों को मजबूर होकर युद्धपोत छोड़ना पड़ा। हालांकि रूस ने युद्धपोत नष्ट होने की बात स्वीकार तो की है, लेकिन उसकी वजह दूसरी बताई। मंत्रालय के अनुसार रूस के काला सागर बेड़े के प्रमुख मोस्कवा को बंदरगाह पर ले जाया जा रहा था, जब तूफानी समुद्र के कारण यह डूब गया। आग की वजह से युद्धपोत के गोला बारूद में विस्फोट हुआ। बाद में पूरे चालक दल को काला सागर में पास के रूसी जहाजों में ले जाया गया। 510 क्रू मिसाइल क्रूजर रूस की सैन्य शक्ति का प्रतीक था, जिसने यूक्रेन पर अपने नौसैनिक हमले का नेतृत्व किया। उधर कीव का कहना है कि उसकी मिसाइलों ने युद्धपोत को मारा। यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों ने दावा किया है कि मोस्कवा में 510 चालक दल सवार हो सकते हैं। मोस्कवा रूस का मिसाइल क्रूजर था। इसका नाम मॉस्को शहर के नाम पर रखा गया था। यह 12,490 टन विस्थापन वाला युद्धपोत था। यह रूसी नौसेना के काला सागर बेड़े का प्रमुख पोत था, जिस पर लगभग 500 कर्मियों का दल सवार था। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।